रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, बहुत प्यारा और बहुत नायाब है। सबसे पहले प्यारी सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, आधी रात को आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर एक मनादी निदा देता है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए, कोई मुसीबत जदा जिससे तंगी दूर की जाए। तो जो मुसलमान भी दुआ मांगता है, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। मगर अपनी शर्मगाहों के जरिए कमाने वाली दारीना औरत और भत्ता वसूल करने वाले इंसान जालिमों की दुआ कभी कबूल नहीं होती। तो वास्तगफार अल्लाह के वास्ते अगर कहीं पर भी ये अमल देखें, उनको रोकने की कोशिश करें। चाहे आप अपनी बहनों को या अपने जो आसपास की ख्वातीनों को देखें, हर कोई इस्लाम में आपकी बहन ही है। आप भाई बन के उनको रोकें, उनको सख्ती से मना करें। और अगर कोई भत्ताखोर है, जैसे बहुत से वाकये होते रहते हैं इस किस्म के, उनको भी मना करें कि उनकी तो दुआ कबूल ही नहीं होती अगर कोई भी दुआ वो मांगते हैं। तो इस चीज़ से ज़रूर लोगों को रोकें, अपने इस्लाम को फैलाने की कोशिश करें। आ जाएं अब आप अपने वजीफे की तरफ। बिस्मिल्लाह से शुरू करती हूँ। आप रिस्क की तंगी का अगर शिकार हैं, आप रिस्क में बरकत चाहते हैं या आपके रिस्क में बरकत पड़ती ही नहीं जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तो मैं आज आपको इतवार के दिन का एक ऐसा वजीफा बताऊंगी जिसके करने से इंशाल्लाह रिस्क में बरकत होगी, तंगदस्ती का खात्मा होगा, दस्ते गैब से रोजी पहुंचेगी। हर इतवार के दिन आपने किसी भी वक्त 1000 बार या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपको कभी भी रिस्क की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप एक दफा करके देखें और फिर इस चीज का फैज पाएं, बहुत नया अमल है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर कोई परेशान है तो वो जरूर करे, बहनें भी कर सकती हैं। इतवार का एक दिन का अमल है। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक।